आईपीएल 2024 के लिए पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की अगर बात कर ले तो सबसे पहले नंबर पर एक स्पॉट पर आ रहे हैं शिखर धवन। शिखर धवन की बात करें तो वो लेफ्ट हैंड ओपनर बैट्समैन है और बात करें टीम में भी उनको खेलने का तजुर्बा है। उनको पता रहता है कि गेम को कैसे चलाना है और शुरुआत में वो एक मजबूत शुरुआत देने में कामयाब रहते हैं। अपने साथी खिलाड़ियों के साथ वो गेम को चलाते हैं और रन रेट को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए नंबर एक पर शिखर धवन आ रहे हैं। नंबर दो के स्पॉट की बात करें तो पंजाब किंग्स ने पिछले सीजन में काफ़ी प्लेयर्स को ट्राई किया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर प्रभसिमरन सिंह जो कि पिछले साल आईपीएल के सीजन में पंजाब किंग की तरफ से इकलौते एक शतक वीर रहे हैं, जो कि शुरुआत में काफ़ी लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं और अच्छी रन रेट से और अच्छे स्ट्राइक रेट से वो टीम को आगे लेके चलते हैं। इसलिए नंबर दो के स्पॉट पर राइट हैंड बैट्समैन और साथ ही में विकेट कीपिंग का तजुर्बा भी रखते हैं आ रहे हैं नंबर दो पर प्रभसिमरन सिंह। उसके बाद नंबर तीन स्पॉट पर आ रहे हैं जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो की बात करें जो इंजरी की वजह से पिछले सीजन में नहीं खेल पाए थे, लेकिन बात करें उनके T20 में बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही में वो लंबे लंबे सिक्स लगाने के लिए भी जाने जाते हैं जॉनी बेस्टो, और एक विकेट कीपर के तौर पर विकल्प भी मौजूद रहते हैं। इंग्लैंड की वो मेन टीम के मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, साथ ही में विकेट कीपिंग भी कर चुके हैं। कह सकते हैं कि उनका इंटरनेशनल तजर्बा भी पंजाब किंग्स के काम आने वाला है। उसके बाद नंबर चार स्पॉट पर आ रहे हैं अथर्वा टाइट। अथर्वा टाइट की बात करें तो डोमेस्टिक में भी उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रह चुका है। इनिंग को बिल्ड करने में और साथ ही में एक बैकअप बैट्समैन के तौर पर एक अच्छा विकल्प है अथर्वा टाइट, और अच्छी टाइमिंग के साथ वो बल्लेबाजी भी करने के लिए जाने जाते हैं। नंबर पाँच स्पॉट पर आ रहे हैं इंग्लैंड के ऑलराउंडर लीन लिविंगस्टन की बात करें तो वो राइट हैंडेड बैट्समैन है और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। अगर रन चेस की बात करें तो रन चेस में वो एक अलग ही रूप में नज़र आती है उनकी बल्लेबाजी, और साथ ही में वो आपके लिए एक ऑफ स्पिन बॉलिंग विकल्प भी है। कई बार हमने देखा है कि इनिंग की बॉलिंग की शुरुआत में भी उनको ओवर दे दिया जाता है और वो ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहते हैं। नंबर छः स्पॉट पर आ रहे हैं जितेश शर्मा जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है पंजाब किंग्स के। उनको टीम से अलग करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लगातार वो पंजाब किंग्स के लिए विकेट कीपिंग करते आ रहे हैं, साथ ही में उनको टीम इंडिया में भी चांस मिला था विकेट कीपिंग करने का और बल्लेबाजी करने का, तो उन्होंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई और साथ ही में उन्होंने विकेट कीपिंग भी करके दिखाई है, इसलिए नंबर छः पर जितेश शर्मा बने रहेंगे। नंबर सात पर आ रहे हैं जिम्बाब्वे टीम के कप्तान और साथ ही में बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में दम रखते हैं और स्पिन को खेलने की एबिलिटी रखते हैं, आ रहे हैं सिकंदर रजा। सिकंदर रजा की बात करें तो पिछले सीजन में भी उन्होंने कई मौक़ों पर अपनी टीम को संकट से उबारा है और इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्लेइंग 11 का हिस्सा होने के लिए, नंबर सात पर आ रहे हैं। नंबर आठ पर आ रहे हैं जिनको पंजाब किंग्स ने अभी ऑक्शन में खरीदा है और वो टीम इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, हर्षल पटेल, और फास्ट बॉलिंग डेथ और में स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही में उन्हें पावर प्ले में भी बॉलिंग करवाई जा सकती है और अर्शदीप के साथ मिलकर एक अच्छा उनका पेयर बनेगा। उसके बाद नंबर नौ स्पॉट पर आ रहे हैं हरप्रीत बराड़। एक बेहतरीन एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, बल्लेबाज और गेंदबाजी दोनों से कमाल करने वाले ये लेफ्ट हैंडेड स्पिनर हैं और साथ ही में आखिर में आकर अपनी टीम के बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए नंबर नौ पर वो बने रहेंगे। नंबर दस पर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के जो मेन तेज़ गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा। पिछले सीजन में भी जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा था और इंटरनेशनल में भी उन्होंने अपना खूब दबदबा बनाया है और साथ ही में उनकी पेस जो है वो भी काफ़ी हेल्प करेगी, इसलिए नंबर दस पर कगिसो रबाडा रहेंगे। नंबर ग्यारह पर आ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पेस बॉलर अर्शदीप सिंह जो कि लेफ्ट हैंडेड पेस बॉलर हैं और साथ ही में टीम इंडिया में भी वो खेल चुकी हैं, T20 में काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल, इसलिए पंजाब किंग्स से वो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और नंबर 11 की स्पॉट पर उनका स्थान पक्का हो चुका है। अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो हम तीन ऐसे प्लेयर हैं जिनको इम्पैक्ट प्लेयर में रखने जा रहे हैं, जिसमें एक है सैम करन जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। नंबर दो पर हैं आशुतोष शर्मा जो कि एक बिग हिटर बैट्समैन है, और नंबर तीन पर है प्रिंस चौधरी जो कि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। इस तरह से इन तीनों को हम इम्पैक्ट प्लेयर में देखते हैं। ये थी पंजाब किंग्स की पूरी प्लेइंग 11 और साथ ही में इम्पैक्ट प्लेयर।